दानी पेड़। आप तो जानते ही हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। वृक्ष का हर भाग हमारे किसी न किसी काम आता है। वास्तव में पेड़ के समान दानी और परोपकारी कोई नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही दानी पेड़ और एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन उसके पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता, और जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीजें खरीद कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीजों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच देना, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए और उन्हें बाजार ले गया। पेड़ बहुत खुश था। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। जब एक दिन लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलने लगा और कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, यह जंगल ही मेरा घर है। पर तुम चाहो तो मेरी शाखें काट कर उनसे घर बना लो, मुझे इससे प्रसन्नता होगी। तब लड़के ने पेड़ की शाखें काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने, और पेड़ अब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए, पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि उससे बोलते ही नहीं बना। लड़का अब लड़का नहीं रहा था, वह एक युवक था। आओ बेटा, बहुत दिनों में आए हो, आओ और खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे सात समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। नना, वास्तव में पेड़ खुश ना था। बहुत सालों बाद युवक फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो गया था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए
कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता। मेरे दांत इतने कमजोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। मेरी शाखें भी अब नहीं रहीं जिन पर तुम झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और शाखों से झूल नहीं सकता। मेरा तना भी नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था पर अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। हाँ, बस यह ठूंठ बचा है, मुझे क्षमा करना। मुझे अब ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। आओ बेटा, मेरे ठूंठ पर बैठो और आराम करो। और वृद्ध ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर प्रसन्न था। तो देखा बच्चों, जब लड़के को किसी चीज की जरूरत होती वह पेड़ के पास जाता। पेड़ उसकी इच्छा पूरी कर देता। उसकी खुशी के लिए पेड़ ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। जिस प्रकार पेड़ हमें सब कुछ देता है, उसी प्रकार हमें भी गरीबों और असहायों का जीवन सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इस पाठ के कुछ शब्दों का सही उच्चारण सीखते हैं। प्रतिदिन, सुरक्षित, ठूंठ, फुसफुसाया, फुर्सत, कमजोर, वृद्ध, शाखें।